अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। क्लास 6 एक्सरसाइज 10.6 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और यहां पर हमने कंपास इस्तेमाल करते हुए एंगल्स को ड्रॉ करना है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा हम यहां पर इस तरह लाइन लगाते हैं, ठीक है? आपने यहां से इसके बाद कंपास को लेना है, अपनी मर्जी के मुताबिक आपने कंपास को ओपन किया, यहां रखा और इसको यहां से ऐसे इसका एक ड्रॉ कर लिया, ऐसे लाइन आर्क लगा ली, ठीक है बेटा? अब बेटा हमने क्या करना है कि यहां से इसको चेंज नहीं करना, वहीं को वैसे एज इट रहने देना है। फर्स्ट लाइन फिर यहां पे रख के लगाएं, सेकंड लाइन और यहां से रख के लगाएं तो ये थर्ड लाइन। देखिए बेटा, ये 60 का एंगल होता है जहां पे कट किया, ये 120 का एंगल होता है और ये 180 का एंगल, स्ट्रेट लाइन में एज इट आपको पता है। हमने ड्रॉ करना है 90 का एंगल। देखें यहां पर आप सेंटर में पॉइंट लगा लें जो आपका सेंटर पॉइंट था। आप इसी पे रखते हुए बेटा आपने इसको यहां लाइन लगानी है 60 और यहां पे लगानी है 120 पर, ठीक है? 60 और 120 का जो हाफ होता है वो क्या होता है? 90, ठीक है बेटा? ये देखें आपका 90 का एंगल बिल्कुल स्ट्रेट जो था वो ड्रॉ हो गया। ये आपका सेंटर पॉइंट था और ये आपका 90 का एंगल ड्रॉ हो गया। अच्छा बेटा, इसी तरह हमने करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ जाना है। वहां पे वो कह रहा है कि आप ड्रॉ करें 165 का। किसका ड्रॉ करें? 165 का। चलिए बेटा सबसे पहले उसी तरह करते हैं इसको। हम यहां पर हमने एक छोटी सी इसकी लाइन लगा ली है, कंपास को सेट कर लें, ऐसे रख के पहले चेक कर लें कि आइदर ये बिल्कुल ठीक भी है कि नहीं, हिल तो नहीं जाती। अगर हिल जाएगी तो बेटा ये आपका काम खराब भी, गलत भी हो सकता है। आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक जो है इसे ओपन कर लें। ये देखिए जी, मैंने ओपन कर लिया और अब इसको मैंने ऐसे इसकी दोबारा आर्क लगा दी, ठीक है बेटा? ये देखिए मैंने इसकी जो है आर्क लगा दी। उसी तरह यहां पर रख के लगाए, पहली लाइन जो है वो आपकी 60 की लगेगी, दूसरी लाइन आपकी 120 की और तीसरी लाइन आपकी 180 की जो है वो लगेगी। अब देखिए बेटा, सिंपल सी बात है कि ये अगर 120 और ये 180 है तो इसके दरमियान में 150 का एंगल ड्रॉ होगा। तो आप उसी तरह करेंगे, यहां पे आर्क लगाएंगे और यहां पर आप अपनी आर्क लगाएंगे, इस एंगल को ड्रॉ कर दें इसके थ्रू, ठीक है? ये आपका जो है 150 और ये आपका 120 था, लेकिन आपने 165 का, यानी कि अब ये 150 का है और ये 180 का है, इन दोनों के दरमियान बनाए एंगल को ये, और फिर उसी तरह यहां पर रख के कट करें। अब ये यहां पर कट हुई है बेटा, ठीक है? अब यहां से आप इसको इनको आपस में मिला देंगे। देखें ये आपका 120 है, ये 150 है, ये 165 है और ये 180 का एंगल है। तो एज यू नो दैट बेटा कि हर बाइसेक्ट जो होता है वो हाफ का होता है, ठीक है? जैसे देखें आपने 120 और 180 के दरमियान में किया तो 150 हाफ का बना, 150 और 180 के दरमियान में 30 का है, 30 का हाफ 15 बनेगा, तो 150 में अगर 15 प्लस करें तो 165 बन गया। बेटा ये था आज का लेसन। आई होप के आप बाकी क्वेश्चंस की अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा जो बाकी इनके रहते हैं। बहुत इजी है, 120 का आपने ड्रॉ करना है और 45 का, सॉरी, ये दोनों बहुत इजी है बेटा, इनको अच्छी तरह ड्रॉ कीजिएगा और जो भी कंफ्यूजन हमसे शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।